हेलो फ्रेंड्स, अगला लेक्चर देखते हैं। दिस इज रिलेटेड टू लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। ये 10 लेक्चर सीरीज का एक पार्ट है, देखते हैं। ये कहता है कि ये लॉन्च हुआ था 2006-07 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने आपको बताया था दो टाइप के स्कीम्स होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ये एक्चुअली जो था लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये पायलट बेसिस पे शुरू किया गया था इन दिस 100 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। लेटर ऑन इसको सब्ज्यूम कर दिया गया अंडर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। देखिए, हमारा एम सिर्फ लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पढ़ना नहीं है, बट नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के बारे में पढ़ना भी है, जो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। देखिए, इसका मेन एम क्या था? इसका एम था मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू फार्मर्स अगेंस्ट इवेंचुअल लॉस ऑफ देयर एनिमल्स ड्यू टू डेथ एंड टू डेमोंस्ट्रेट द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ लाइवस्टॉक टू द पीपल। मोटा मोटा बोले, फार्मर्स में जो लाइवस्टॉक था, जो लाइवस्टॉक है, काउस, बफेलोस, गोट्स, उनका एक इंश्योरेंस करने की आदत बढ़े, उनका इंश्योरेंस करने का वो प्रैक्टिस बढ़े, ये उसका एक मेन एम था लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है ना, जो इंश्योरेंस स्कीम है, जो बाद में मर्ज हो गई नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में, ये फुल फ्लेजेडली काम करती है फ्रॉम 2014। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जो है वो लॉन्च हुई थी 2014 में। अब जानेंगे लाइवस्टॉक मिशन के बारे में। लॉन्च हुई थी 2014-15 में, ठीक है। एंड इट सीक्स टू एंश्योर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन लाइवस्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम्स। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द लाइवस्टॉक, अपने जानवरों की क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव करने की बात नेशनल लाइवस्टॉक मिशन कहता है। ऑब्जेक्टिव्स देखे, इट सेज सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, increasing availability of fodder and feed, accelerating production of quality fodder, promoting applied research in priority areas in animal nutrition and livestock production, promoting skill-based training and disseminating of technologies for reducing cost of production and improving production of livestock sector। ये कहता है कि एक sustainable growth हो अपने livestock में, quality और quantity increase हो और improvement भी आए, जो उनके लिए जो fodder लगता है उनकी quality maintain हो, improve हो, और जो fodder है उसकी क्वांटिटी में भी इजाफा हो, और ये अप्लाइड रिसर्च, ये रिसर्च इन दीज एरियाज, इन द लाइवस्टॉक एरियाज, जो हमारे एनिमल न्यूट्रिशन और जो उनको डिजीजेस वगैरह होती है उनमें प्रॉपर रिसर्च की बात करता है, उसको प्रमोट करने की बात करता है। ऑल्सो जो फार्मर्स है उनमें एक स्किल लाने की बात करता है, सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दे कैन यूज प्रॉपर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ द लाइफ स्टॉक सेक्टर, ठीक है। लाइवस्टॉक सेक्टर आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि एंकरेजिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स एंड कोऑपरेटिव्स और प्रोड्यूसर्स कंपनीज फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लाइवस्टॉक ओनर्स। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करता है, कम्युनिटी में इस चीज को जो है लाइवस्टॉक मिशन को प्रमोट करने की ये बात ये कहता है। इसको ज्यादा कंफ्यूज मत होइए आप, ये कम्युनिटी में लाइवस्टॉक का महत्व फैलाने की बात करता है। नेक्स्ट ये कहता है कि वी शुड प्रमोट रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इंक्लूडिंग लाइवस्टॉक इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स, जैसे मैंने अर्लियर स्लाइड्स में भी आपको बताया। फिर ये कहता है प्रमोटिंग एक्टिविटीज टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट एनिमल डिजीजेस, जैसे देखिए फूट एंड माउथ डिजीज होता है और बहुत सारे डिजीजेज होते हैं जो पर्टिकुलरली हमारे लाइफ स्टॉक को होता है, हमारे जानवरों को होता है, ठीक है। तो उनसे कैसे डील करें और डील करने के बाद को ठीक करके उनसे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, ये चीज नेशनल लाइवस्टॉक मिशन हमें बताती है। ऑल्सो ये और भी बात करता है अबाउट प्रमोटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी हाइड्स एंड स्किन थ्रू टाइमली रिकवरी, ठीक है। एनिमल के रिकवरी के टाइम पे उन्हें अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना, ऑल्सो उनको जो फूड वगैरह मिलेगा उनको उसमें डिमांड सप्लाई का गैप ना रहे, उसकी भी बात करता है। और जैसे कि पहले लाइन में देखा हमने, एंकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन on sustainable practices related to animal husbandry is be given utmost importance. Okay, तो हमने ये देख लिया National Livestock Mission के बारे में। मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आप पूरा समझे। मैं इसको पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगा जैसे मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ा है, मैं आपको ओवरव्यू ही दूंगा सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए और मेंस में आप वैसे लिख पाए। देखिए, बी क्रिएटिव इन योर आंसर्स। आप कितना भी पढ़े, आप कितना भी रट्टा मारे, वहाँ पे जाके वो रटा हुआ आपको याद नहीं रहेगा। बहुत आपको जो याद रहेगा वो यही कि आपने क्या इजीली समझा है, ठीक है। आई होप मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। दिस इज मी, माय नेम इज प्रजाक।
आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.